मैं खुद कुछ दिन के बाद मणिपुर जाने वाला हूं, सभी मणिपुर के भाइयों बहनों के साथ बात कर शांति स्थापना के लिए बात करूंगा। सबके साथ न्याय होगा और हिंसा करने वालों को हम बख्शेंगे नहीं। मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन समग्र उत्तर पूर्व में आया है और आज इस मंच से मणिपुर में एक अदालत के जजमेंट के कारण कुछ क्लैशेस हुए हैं। मैं मणिपुर के भाइयों को भी कहना चाहता हूं कि हमारा काम शांति बनाए रखना है। आप व्यवस्था पर विश्वास करिए, दोनों ग्रुपों के लोग पहले शांति बनाने का निर्णय करें। मैं आपको केंद्र की सरकार से और से विश्वास दिलाना चाहूंगा, सबके साथ न्याय होगा और हिंसा करने वालों को हम बख्शेंगे नहीं, इसका विश्वास आप नरेंद्र मोदी सरकार को रखिए। मेरा अपील है मणिपुर के अंदर सभी भाइयों बहनों को कि आप एक बार पहले जैसे मणिपुर के लिए हम छह साल से मणिपुर में शांति से आगे बढ़े, एक भी बंद नहीं हुआ, एक भी ब्लॉकेड नहीं हुआ और आज एक अदालत के निर्णय के कारण जो विखवाद हुआ है वो विखवाद को हम चर्चा से, वार्ता से और शांति से इसका रास्ता निकालें, किसी के साथ अन्याय न हो, ये नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है। मैं खुद कुछ दिन के बाद मणिपुर जाने वाला हूं और 3 दिन तक वहां रहकर सभी मणिपुर के भाइयों बहनों के साथ बात कर शांति स्थापना के लिए बात करूंगा। परंतु शांति तो मणिपुर के जनता ही ला सकती है, तो मेरा सभी से करबद्ध निवेदन है कि आप अविश्वास की खाई को दूर कर शांति की प्रक्रिया में आगे बढ़िए। भारत सरकार और मणिपुर सरकार से वार्ता करिए, शांति का रास्ता खोजना पड़ता है, होता जरूर है और मुझे विश्वास है चर्चा से ही शांति की स्थापना हो सकती है।